अज सवेरे श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल सचखंड श्री दरबार साहिब नतमस्तक होन पुजे अते इस तो बाद उना वल्लों प्रेस दे नाल गलबात कीती गई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नूं हुण किसानां दे नाल गलबात करके उना दा मसला हल करना चाहीदा है। अगे उन्होंने कहा कि जो भाजपा कह रही है 117 सीटां ते चोणां लड़ेगी तां भाजपा दा बहुत देर तो सुपना सी कि वह इंडिपेंडेंट 117 सीटां ते चोणां लड़े, पर उन्होंने नाल ही टिप्पणी करते हुए कहा कि पंजाब दे लोग बेखूबी समझते ने कि आखिरकार उन्होंने वोट किसनू पाउणी है। इस दे नाल ही उन्होंने कांग्रेस ते वार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कोई भी अजिहा काम गिणा देण जो लोक भलाई दा होवे। इस दे नाल ही बीते दिनी श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार वल्लों दिते गए संदेश ते बोलदे हुए सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि वह जथेदार दे संदेश ते कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहते। हर पोलिटिकल पार्टी नूं अपना राइट है इत्थे आउण दा। जो बेइंसाफी सेंटर सरकार ने कीती है इहदा बहुत वड्डा नुकसान पंजाब दे किसानी नूं होणा है। इत्थों दी घट्ट तों घट्ट बीजेपी यूनिट जो पंजाब दा है उहनूं तां स्टैंड लैणा चाहीदा। इत्थे आके एक्टां दे फायदे दसन की बजाय जो मंग है किसानी की घट्ट घट किसानी की मंग पूरी करनी चाहिए है। जो किसान जथेबंदियां लगियां सारे किसान संघर्ष कर रहे हैं उन्होंने गल सुन के उन्हों का हल कढ़ने की लोड़ है, लैक्चर देने की लोड़ नहीं। कल भारतीय किसान यूनियन अकाल तख्त साहब से पेश हुई है, धन्यवाद किया जथेदार साहब का और अपील भी की है, ऐलान भी किया है कि जेपी नड्डा की पंजाब फेरी का विरोध किया जाऊगा, उन्होंने पिंडा बढ़ने नहीं दिता जाऊगा। वो सारी उन्ना पार्टियां की जो फैसला है उन्होंने फैसला कोई चुनौती नहीं। पंजाब की जनता नूं पता है कि पंजाबियां दी असली हकदार पंजाबियां दी वोट की केड़ी पार्टी है, केड़ी पार्टी ने पंजाब वास्ते कुछ किया, केड़ी पार्टी ने पंजाबियों वास्ते संघर्ष किया, केड़ी पार्टी ने पंजाबियों वास्ते काम किए है वो पंजाबियों को पता है। सो कोई तो बहुत पार्टियां मैदान जंग च आ जाती हैं, कई बंदे छोटी छोटिया पार्टियां ने कोशिश की है पर पंजाब की जनता ने नकार के रख दिता है। पंजाब की जनता बड़ी क्लेयर है, उन्होंने पता है हर पार्टी का पिछोकड़ बारे पता है। बहुत सीरियस मैटर है, बहुत वड्डा इल्जाम लग्या एंड पुलिस नूं जरूर इहते स्ट्रोंग एक्शन लेना चाहिए कि जे उहदे सच्चाई है ते मैं कहा बहुत सीरियस गल है। ਪਰਸਾ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਦਾ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ, ਉਹ ਆਪ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਿਲੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਿਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਆਹੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਫੇਸ ਬਦਲਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦਾ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਸੀ। ਤਾਂਹੀਓ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਣਾ।
आम आदमी पार्टी पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वो मर्यादा भी तोड़ दी। जसदार साहब दे जो उन्होंने संदेश दिता है उहदे उत्ते मेरा कोई राइट नहीं कुछ भी टिप्पणी करना। अमृतसर तो मुकेश मेहरा की रिपोर्ट ब्यूरो रिपोर्ट।